कृषि के लिए विख्यात माने जाने वाले खरगोन जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज खरगोन जिले के बोरावा पहुंचे, एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान महोत्सव और छात्र समागम में आध्यात्मिक तकनीकी शिक्षा और जैविक खेती पर व्याख्यान और मार्गदर्शन दिया। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम में आए श्री श्री रविशंकर ने जिले से सैकड़ों किसानों को जैविक खेती के लाभ बताए एवं किस तरीके से जैविक खेती की जाती है उसका मार्गदर्शन दिया। रविशंकर के साथ मध्य प्रदेश कृषि मंत्री सचिन यादव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय के बयान पर लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि जितना भ्रष्टाचार में तुम्हारे पिताश्री ने कमाया है आकाश, जरा उन गरीब मजदूरों पर ध्यान दो जिनके नाम पर तुम्हारे पिता ने पैसे कमाए खाली हाथ भरे हैं। कांग्रेस अच्छे से जानती है केंद्र की सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। तुम्हारे पिताजी से कहना मेरे घर आकर सूची ले जाए। 12.5 लाख किसानों की सूची फिर तैयार की है, सरकार कटिबद्ध है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। के साथ मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि किसान को और उनकी मेहनत को पहचान रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। ये नर्मदा की पावन तट इसी धरती के सुपुत्र सुभाष यादव जी, उनका सपना था जिस सरकारी आंदोलन की वजह से वो पूरे देश में दुनिया में एक नाम हासिल किया, एक प्रतिष्ठा हासिल करी। सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया था, इसका क्या असर है? मुंह के ऊपर जा रहा है। जितना भ्रष्टाचार में तुम्हारे पिताश्री ने कमाया है आकाश, जरा उन गरीब मिल मजदूरों को बांट दो जिनके नाम पे तुम्हारे पिताश्री राजनीति करके यहाँ तक पहुंचे हैं। खाली हाथ और भरे हाथ कांग्रेस अच्छी तरीके से बताना जानती है। कांग्रेस की सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। तुम्हारे पिताजी को बोल देना हमारे घर से आगे लिस्ट ले जाए 21 लाख किसानों की, और 12.5 लाख किसानों की सूची हमने फिर तैयार कर दी। एक महीने के बाद उनका भी माफ होगा। कटिबद्ध है और ऐसे पाखंडियों के बयानों से सरकार को फर्क नहीं पड़ता, इनकी औकात जान चुकी है जनता। फिर बल्ला दिखाने की बात की उन्होंने। इन लोगों की हकीकत हमसे ज्यादा कौन जानता है? उसी शहर में हम भी रहते हैं, माँ अहिल्या की नगरी में। कोई अपनी औकात भूल जाए, कोई गीदड़ शेर की खाल पहन के आया तो शेर नहीं बन जाता, गीदड़ गीदड़ ही। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल ने अभी एक बयान दिया है कि कमलनाथ की सरकार ने कलंकनाथ की सरकार है। अपने शिवराज से पूछो, उस मामा से जो जगत मामा बन गया था शिवराज, वो सकुनी मामा था कि कंस मामा था, जरा उससे पूछ लेना, फिर हम जवाब दें। हाहाकार मचा दिया जब भाजपाइयों ने। अब तो शर्म आना चाहिए भाजपाइयों को। जाओ मध्य प्रदेश के भाजपाई महाराष्ट्र में जाके धरना दो कि जल्दी से सरकार बनाओ। पर अब लगता है कि भाजपा के पैर महाराष्ट्र से उखड़ चुके हैं। भाजपा की सरकार अब बनने वाली है नहीं। सरकार बनेगी कांग्रेस जिधर इशारा करेगी सरकार महाराष्ट्र में। बीजेपी को क्या नसीहत देंगे? बीजेपी को क्या नसीहत देना चाहेंगे जिस तरह से जो माहौल चल रहा है? बीजेपी नसीहत देना चाहेंगे कि सत्ता की लोलुपता त्यागो। आपके तो बड़े नेताजी कहा करते थे कि हम तो जन सेवक हैं, हमें सत्ता का लालच नहीं है। अरे भैया सत्ता का लालच छोड़ दो, जो सहयोगी दल है उनको बना दो भैया। दूध का दूध पानी का पानी। प्रियंका जी का व्हाट्सएप हैक हुआ है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए ये आप समझ सकते हैं, दो तानाशाह इस समय भारत की राजनीति में राज करना है, पहला नरेंद्र मोदी दूसरा अमित शाह। इन दोनों तानाशाहों ने इस देश के सामाजिक बाने ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। ये उन हर व्यक्ति की जासूसी करा रहे हैं, और उस हर व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है उसका व्हाट्सएप हैक करा रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल हैक करा रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। यहाँ जीने की स्वतंत्रता भी एक दिन अमित शाह उसको कृषक बनाए, बल्कि उसको एक उद्योगी के रूप में जो है उसके जीवन को नई दिशा देने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं ज्यादा वक्त लेते हुए